प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों नमस्कार। मैं आपका मित्र अंग्रेजी अध्यापक रहमान सर पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पैनोरमा का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। आज की हमारी वीडियो पहले बनाए गए वीडियो से थोड़ी अलग है। उसकी वजह यह कि पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम आपको पाठ का सारांश उसकी समरी बताया करते थे। आज हम पाठ का सारांश नहीं बता रहे, उसकी समरी नहीं बता रहे, हम इस पाठ पर पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को बता रहे हैं जिनके आने की संभावना बनती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पार्ट नंबर 10 गोइंग प्लेसेस और इस पर पूछे गए पुराने सालों में प्रश्न। देखिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न, ये 2016 में पूछा गया था और स्मॉल क्वेश्चन था, छोटा प्रश्न। प्रश्न था, व्हाट प्लान डिड सोफी थिंक टू मैनेज मनी फॉर ए बुटीक। व्हाट प्लान डिड सोफी थिंक टू मैनेज मनी फॉर ए बुटीक। प्रश्न है कि सोफी जो कि एक बुटीक खोलना चाहती है तो उसके लिए पैसे के बारे में क्या विचार करती है, पैसे की कहां से व्यवस्था करेगी, क्या विचार करती है। तो आंसर है शी वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस। शी वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस और ए बुटीक मैनेजर टू अर्न द मनी। ये सब आंसर हुआ 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर। देखिए अब 2012 में एक छोटा प्रश्न आया था इसी पार्ट में से और क्या प्रश्न आया था आइए देखते हैं। Why did Sophie like her brother Geoff more than any other? प्रश्न है कि सोफी अपने भाई जोफ को अन्य के मुकाबले अधिक पसंद क्यों करती है। 2012 की प्रश्न है। आंसर है because Geoff listened to her wild fantasies, discussed with her and kept her secrets. क्योंकि जो उसकी उन कहानियों को सुनता है, उससे बातें करता है और उसकी सीक्रेट्स को छिपा कर रखता है, इसलिए सोफी अपने भाई जोफ को अन्य के मुकाबले ज्यादा पसंद करती है। चलिए अब बात करते हैं 2015 में आया एक छोटा प्रश्न जो इस बात में आया और क्या था छोटा प्रश्न। Why didn't Sophie want Johnsy to know about her story with Dan? प्रश्न है कि सोफी ये क्यों नहीं चाहती कि जॉन्सी को डेनी के बारे में उसकी कई कई कहानी पता चले। सोफी क्यों नहीं चाहती कि जॉन्सी को डेनी की कहानी के बारे में मालूम पड़े। उत्तर है शी सेड, वह कहती है इफ जॉन्सी न्यू द स्टोरी, अगर जॉन्सी को यह कहानी मालूम पड़ेगी द होल नेबरहुड वुड आल्सो कम टू नो ऑफ इट, तो सारे पड़ोसियों को भी ये बात मालूम पड़ जाएगी। द फ्लॉक ऑफ पीपल वुड कम, लोगों की भीड़ उसके घर पर आ जाएगी। टू हर हाउस एंड हर फादर वुड बी एंग्री, और उसके पिता नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहती कि जॉन्सी को ये बात पता चले। ठीक है चलिए आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये भी छोटा प्रश्न था जो 2019 में यानी अभी एक वर्ष पहले पूछा गया था। बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि हु वाज लिटिल डेविड, व्हाट डिड ही से अबाउट सोफी। लिटिल डेविड कौन है और उसने सोफी के बारे में क्या कहा था। तो आंसर है लिटिल डेविड वाज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। लिटिल डेविड सोफी का छोटा भाई था इसे, और उसने कहा था शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, वह ऐसा मानती है कि पैसा पेड़ पर उगता है, ऐसा डायरेक्ट उसके बारे में कहता था। तो देखिए ये हुए छोटे प्रश्न जो पिछले सालों में इस पाठ पर पूछे गए।
छोटे प्रश्न यानी दो नंबर के और प्रश्न संख्या 25, 26, 27 और 28 पर आए थे। ठीक है, अब इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न बनता है। आइए अब हम उस बड़े प्रश्न की बात करते हैं। इस बड़े प्रश्न की विशेषता ये है कि ये प्रश्न एक बार नहीं बल्कि दो बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया, 2017 और 2019। जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ में दो मुख्य पात्र हैं, दो लड़कियों की कहानी है। एक का नाम है सोफी और एक का नाम है झांसी। तो सोफी और झांसी दो लड़कियों की कहानी है, तो उन्हीं के चरित्र चित्रण पर प्रश्न आया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ सोफी एंड झांसी। सोफी और झांसी के चरित्र में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं या विषमताएं। तो आइए पहले देखते हैं उनमें क्या समानता है। बोथ आर क्लासमेट्स, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। फ्रेंड्स, दोनों मित्र हैं। फ्रॉम पुअर फैमिलीज, दोनों का संबंध गरीब घरों से है। बोथ वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद दोनों ही लड़कियां बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती हैं। ये भी उनके बीच में आई हुई समानता है। आइए अब डिफरेंसेस यानी कि अंतर की बात करते हैं। तो देखिए, सोफी इज ए डे ड्रीमर, सोफी एक दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, एंड झांसी इज प्रैक्टिकल, डे ड्रीमर एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है कि सोफी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस और ए बुटीक मैनेजर। सोफी बड़ी होकर एक्ट्रेस या बुटीक मैनेजर बनना चाहती है, एंड झांसी वांट्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। झांसी की ऐसी कोई प्लान नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगला दोनों के बीच में डिफरेंस है, सोफी ऑलवेज टेल्स फॉल्स स्टोरीज, वो हमेशा अलग अलग झूठी कहानियां बनाती है, एंड झांसी डजंट लाइक सच स्टोरीज, झांसी को ऐसी कहानियां पसंद नहीं है और न ही वो ऐसी कहानियां बनाती है। सोफी का अगला प्रश्न हम ले रहे पॉइंट कि सोफी वांट्स टू बी अ रिच गर्ल, बड़ी होकर वो धनवान बनना चाहती है, और झांसी नोज हर लिमिट, झांसी अपनी सीमाओं को जानती है। तो ये बड़ा प्रश्न है जो 2017 और 19 में आया, इनके बीच में समानता है और असमानता वाला। ये छोटे प्रश्न है जो पिछले सालों में आए थे, मेजर क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन दोनों की हमने आपसे चर्चा की। आज हम वीडियो में आपको प्रश्न ही बता रहे, इनके उत्तर भी बता रहे। आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने आपको दिए हैं। आपको एक खास काम और करना है, यहाँ आपको हमने अंग्रेजी के प्रश्न और उत्तर दोनों दिए हैं, इनको देखना है, प्रश्नों को उतारना है और इनके उत्तर जो हमने आपको बताए हैं वह भी लिखना है। आपकी सहायता के लिए हम एक काम और कर रहे हैं और वो काम ये कर रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रहे हैं, उस लिंक में इस पाठ की हिंदी समरी है। इस पाठ की हिंदी समरी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां से आप इसकी हिंदी समरी देख सकते हैं और पूरे पाठ की कहानी को समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है आज हमारा नया प्रयोग आपको पसंद आएगा, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।